हमारे शेखावत जी ने शहीद में हजारों की तादाद में इस मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया। यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ 36 को ये जिला सबसे पढ़े लिखे लोगों का जिला है। माता और बहनों में नौकरियों में राजस्थान में हम सबसे अव्वल है। जोरदार तालियां, चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया जा रहा है महाराजा साहब का। मरो साहब, मरो साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, महाराजा विश्वनाथ सिंह जिंदाबाद। कार्यक्रम में पधारने पर महाराजा साहब को तलवार भेंट करने के लिए मैं आदेश दूंगा। तलवार भेंट करने के लिए नेता था वीर तेजा के छात्रावास से अध्यक्ष श्री हरिसिंह जी बड़ावास, कमल जी जाकर, देशराज जी, अनिल जी, दत्ताराम जी, आओ सर, आओ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुंदर जी तहलवान, बी एल पटेल नगर, कमलेश जी बड़ावास, रघुवीर जी नयावास, मंत्री जी राजेंद्र जी बड़ा का स्वागत करने के लिए। मदनलाल जी जिति साहब के भाई स्वागत करते हुए स्वागत का कार्यक्रम अंतिम क्षण में है। महाराजा साहब को गदा भेंट की जाएगी और गदा भेंट करने के लिए गदा भेंट करने के लिए सुरेंद्र जी चौधरी, महिपाल जी से भी, डॉक्टर राकेश केदार, पवन जी चार, अनिल जी मंगावा, शेर सिंह जी मंगावा, जय बोलो देवनाथ भगवान की, जय बोलो शंकर भगवान की, जय बोलो भद्री माता की। आज शेखावाटी की धरा पर उदयपुर वाटी के दूर दराज के छोटे से गांव के अंदर सरजोधपुरा में हमारे अजीज मेहमान भरतपुर का भरतपुर में जिनका शानदार इतिहास रहा पीढ़ियों का और जिनका लोकसभा और विधानसभा में सरकारों में जिनका शानदार सहयोग रहा, इस शहीदों की धरती पर, भामाशाहों की धरती शेखावाटी पर, किसानों की धरती पर ये मां मनसा समाता शाकंभरी जीन माता लोहागढ़ और हमारे लोक देवता हीरामन जी के इस प्रांगण के अंदर
सरकार के मंत्री भरतपुर के महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हुए हमें इस बात के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैंने महाराज साहब को शेखावाटी के अंदर कभी भी बड़े बड़े प्रोग्रामों में लाख लाख लोगों के प्रोग्रामों में भी इनका आना जाना कम मिला, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। ये हमारे देवताओं का आशीर्वाद है और हमारे यहाँ के जो लोक देवता हीरामल जी के हमारा पूरा गोठिया परिवार इनकी इनका इनकी भक्ति की इनकी तपस्या का फल है कि आज हमारे अजीत मेहमान राजस्थान की राजनीति के सितारे राजा सूर्यमल जी जिन्होंने इतिहास हिंदुस्तान के इतिहास को शानदार इतिहास दिया, उनके वंशज महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी का हमारी धरती पर आगमन पर हम दिल खोलकर शेखावाटी के लोग सभी बुजुर्ग नौजवान माता बहने बच्चे आपका हमारी धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं हम सरकार के अंदर विधानसभा में जिस तरीके का हमारे मंत्रिमंडल के अंदर राजा साहब जिस बेबाकी से जिस दबंगता से जिस तरीके से जनता की समस्याओं को सरकार के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर रखते हैं ये काम सिर्फ और सिर्फ महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हमारे कैबिनेट मंत्री ये रख से और किसी में इतना साहस नहीं है। जिस बेबाकी से किसी चीज की परवाह नहीं करते हुए जिस अंदाज के अंदर अपनी बात को रखने का और आज इनका लंबा विधानसभा में 5-7 विधायक हुए सांसद और विधायक बनना बढ़ाना इनके लिए बहुत ही छोटी सी बात है, सरकार भी इनके लिए छोटी बात है, आपके लिए सबसे बड़ी बात है हमारे हमारी जनता की सेवा करना, लोगों के हितों की रक्षा करना, जनता के साथ न्याय करना। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ महाराज साहब ये देवनारायण भगवान का मंदिर ये हीरामल बाबा का मंदिर यहाँ पर सुबह हजारों की संख्या में माता और भानुरत की कलश यात्रा थी और यहाँ पर आसपास के गांव से दूर दराज से लोग आते हैं पीड़ित और हमारे गोठिया परिवार और हमारे यहाँ की तपस्या से उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का बड़ी से बड़ी बीमारी का यहाँ आज इलाज होता है इनके तपस्या से और लोगों को यहाँ रिलीफ मिलती है और अच्छे दरबार की। आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए महाराज साहब का एक छोटा सा कार्यक्रम बना और ये हमारे बिल्कुल बॉर्डर के गांव के अंदर आपका आवागमन, लेकिन महाराज साहब को बताना चाह रहा हूँ देश की आजादी की लड़ाई के अंदर हमारी शेखावाटी के भामा साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। उससे पहले आजादी से पहले और आजादी के बाद हमारी शेखावाटी के शहीदों ने हजारों की तादाद में इस मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ 36 कौम, ये जिला सबसे पढ़े लिखे लोगों का जिला है। माता और बहनों में नौकरियों में राजस्थान में हम सबसे अव्वल है। सभी क्षेत्र में यहाँ का नौजवान आपको यहाँ अपने बीच पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। जय हिंद जय भारत। लेकर ही जाए, सभी से आग्रह रहेगा कि आप प्रसाद लेकर ही जाए, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता